What does the graph say? Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 7 जनवरी 2021 थर्सडे है, सुबह के 8:27 हो रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, इस साल का पहला वीकली एक्सपायरी का दिन है। काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में बजट है देश का, तो इससे पहले मार्केट में वोलेटाइलिटी देखने को मिल सकती है। हर साल हमें यह एक्सपीरियंस करते हैं, बजट से कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले एक वोलेटाइलिटी मार्केट में देखने को मिलती है, काफ़ी अप एंड डाउन्स इंडेक्स में देखने को मिलता है, तो काफ़ी रिस्की होता है ऐसे समय में ट्रेड करना। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 6 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,216 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,154। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ और ये यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ। तो यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, जैसे ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ रहा था ऊपर जाते हुआ कि ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास पेनेट्रेट हो रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था ब्रेकआउट लेवल को। काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए, आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रेकआउट लेवल के पास इसने कई बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने के लिए लेकिन फेल हुआ, पेनेट्रेट हुआ ये लेवल। और टूवर्ड्स साउथ की तरफ जैसे ही इसने लोअर बैंड को ब्रेक कर दिया ज़ोरदार फॉल देखने को मिला। और जैसे ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 14,138 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 14,124 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ टाइम यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को मिला लेकिन जैसे सेकेंड टारगेट का भी लेवल ब्रेक हुआ और तेज़ी से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड साउथ की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में देखिए नासडैक 78 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में देखें तो लंदन मार्केट 229 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि वहां पर लॉकडाउन जारी कर दिया है, अगले महीने तक वहां पर लॉकडाउन रहेगा। एशियाई बाजार देखें तो एसजीएक्स निफ्टी आज फिर से एक बार जोरदार 83 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निक्केई जापानीज इंडेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो फिर से इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, यहाँ से ये जो फॉल दिखाई दिया था रेड कैंडल, इस साल का पहला दिन था डाउ फ्यूचर का एक रेड कैंडल बना था, उसको इसने कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो पॉजिटिविटी फिर से एक बार ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल रही है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में कल हमने देखा ऊपर लेवल पे ये ओपन हुआ और सस्टेन नहीं हो पाया और ओपन के नीचे आके ये क्लोज हुआ, फिर से यहाँ पर एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है जैसे दो दिन पहले यहाँ पर बना था, अभी ये रेड कैंडल बना है। लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमें कन्फर्मेशन नहीं मिला था, इसका भी हाई ब्रेक करके और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ निफ्टी इंडेक्स ने मूव किया था, तो ये सिग्नल दे रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कल भी क्लोज हुआ है 14,100 के ऊपर ये क्लोज हुआ है, अगर इसके नीचे क्लोज होता तो चांसेस और ज़्यादा थे कि यहाँ से करेक्शन गहराता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अभी जब तक इसका ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा, तो बुलिशनेस अभी भी मार्केट में है ऐसा हम कह सकते हैं। अगर इन लेवल्स के ऊपर फिर से ये निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है 14,244 कल का जो हाई है, तो हमें नेक्स्ट लेवल 14,350 के यहाँ पर आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है, इस जोन में निफ्टी इंडेक्स पहले कभी नहीं था। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल जैसे कि ये फॉल आया था, ये रेड कैंडल बना था लॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद एक हैमर कैंडल बना, यानी जहाँ पर बॉटम बनाया था वहाँ से तेज़ी से फिर से बुल्स ने कंट्रोल ले लिया। तो ये एक हैमर कैंडल बना और उसके बाद एक डोजी बना, तो अगर इन दोनों के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर हर्डल हो सकता है। यहाँ से ये जो फॉल देखने को मिल रहा है, तेज़ी से एक फॉल आया है यहाँ से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। वहाँ पर ही एक दिन प्रीवियस डे का क्लोज था, दिन का क्लोज उसी लेवल के आसपास आ रहा था, तो 14,200 मार्क कर देते अगर इसके ऊपर अगर ये सस्टेन हो पाता है 14,200 के ऊपर,
तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है 14,213। एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,230, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जो लोएस्ट लो क्लोज था कल के दिन का, यानी 14,120, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ था आर्ली चार्ट में, तो 14,120 हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,100, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 14,080, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So thank you very much and happy trading.